ओर से भरसक प्रयास किया, यत्न किए। जिस वार्ता का हमें न्योता मिला, हम उस वार्ता में गए। हमने हाथ बांध के केंद्र सरकार को ये निवेदन किया कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे मसलों का हल कीजिए। आप सभी मांगों के ऊपर, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब तो निर्णय लेने का समय है। अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम MSP गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्ध सैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से हैं, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुख तस्वीरें देखने में सामने आए। और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब गेंद केंद्र के पाले में, फिर आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। देखिए, जैसे मेहर साहब ने बताया कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टी इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है, लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही, तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश, पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके
फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं, तो किसान भी शांत रहे। हम शांत हैं, किसानों को शांत कहने की किसी की ज़रूरत नहीं है। किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं, सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ रहे बढ़ेगा तो किसान अपने आप दो हाथ आगे बढ़ाता है। सो इसलिए मैं किसानों और नौजवानों को भी ये अपील करूंगा कि देखिए आज जिस तरह का माहौल है, सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठे। यहाँ बहुत सारे तत्व सरकार, जैसे पहले देखा गया है पिछली बार वहाँ खनौरी बॉर्डर के ऊपर पुलिस के अधिकारी आए और हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को उन्होंने प्रवोक करने का प्रयास किया, वो लोग अब भी आपके बीच में भी यहाँ आ सकते हैं। ऐसे हालातों में उनसे बचना है सब ने, इन बातों के ऊपर ध्यान देते हुए। जैसे यहाँ जहाँ आगू साहबानों ने रोकें लगाई हुई हैं, उससे आगे कृपया कोई भी साथी अपने आप ना बढ़े ताकि शांति बनी रहे, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो पाए। देखिए इधर भी हमारा किसान है, उधर भी जो जवान है नज़र आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम महसूस करें कि वो हमारा दुश्मन हो। दुश्मन नहीं है, वो भी किसी किसान या मजदूर का बच्चा है, किसी अडानी का बच्चा नहीं है, ना ही वो किसी पॉलिटिकल नेता का बच्चा है। वो सब के सब किसान, मजदूर और गरीब लोगों के बच्चे हैं। उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हमें इस बार इस माहौल को शांत रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और उधर से भी मैं निवेदन करूंगा सरकार को और प्रशासन को कि वो शांति बनाकर रखें और हमें आप शांतिपूर्वक ढंग से वो खुद ब खुद वो रास्ता बनाकर लोगों को दें ताकि हम आराम से दिल्ली जा सकें। ये आज की पीसी का मेन मुद्दा तत्व ये था। सर, डीजीपी ने, पंजाब के डीजीपी ने एक मिनट देखिए, हमारे फेसबुक अकाउंट, ट्विटर हैंडल बंद किए गए हैं। हमारे नाम पर जितने भी लीडर्स हैं, फेक अकाउंट, फेक फेसबुक आईडियां खोलकर पोस्टें डाली जा रही हैं। हम कृपया आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे पूरे देश को कि उन पे यकीन मत करें। हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पे बंद पड़े हैं और डुप्लीकेट चीजें जाके भड़काई सामग्री सरकार के द्वारा डाली जा रही है और यहाँ शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हमें सभी को इस मोर्चे की रक्षा करने पड़ेगी और इसको पीसफुली ढंग से चलाना पड़ेगा। पंजाब के डीजीपी ने पत्र लिखा है और कहा है जो पोकलैन जेसीबी हैं सभी एसएसपी को, उनको अपने कस्टडी में लिया है और खासतौर पे जो सिंधु बॉर्डर, यहाँ शंभू बॉर्डर पे पहुंचे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? आप देखिए, सरकार अपने तौर से जो प्रयास कर रही है करे, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है और ना हमारा इसका इस तरह का कोई मंशा है। देखिए अभी तक कोई गलबात का कोई नया कोई सद्दा नहीं आया है। जैसे भी कोई सद्दा आएगा आप सबके सामने होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कल कहा कि सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे नहीं चल सकती, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। देखिए पूरे देश के मेलाओं में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हैं, जो पार्टी रैलीज करती हैं वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान मजदूर जाते हैं, हर काम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं। पीसफुली आंदोलन के लिए अगर ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। जेसीबी है जिसको बुलेट प्रूफ बनाया गया, शांतिपूर्ण तो नहीं होगा ना? ये आगे बढ़ेंगे तो आगे टकराव तो होगा ना पटेल साहब? इस तरह का कोई हमारा इस तरह का हमारा कोई कोर्ट के ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं, कैन कमीशन कोर्ट के ऑर्डर, तो हमारे पक्ष में जबलपुर हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि एमएसपी से नीचे खरीदी नहीं होगी। हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है 15 दिन से अधिक आप गन्ने की पेमेंट रोक नहीं सकते, उसका वायलेंस लगातार सरकार करती है। हमारे पक्ष में तो 20 फैसले हैं, आप देख लें। तो ये बैरिकेड नहीं
हटाते तो तुम कूच करोगे कि फिर किन्ने बजे कि रुक रहेगा? और देखो पीसफुली ढंग ना बदांगे सरकार साढ़े से तशद करूंगे असी नंगे पिंडे सवांगे नहीं कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होगा इन मशीनों का इस्तेमाल होगा नहीं होगा नहीं होगा तो लाइसेंस का इस्तेमाल होगा या जेसीबी हम सब जो कुछ भी हम देखेंगे पता करेंगे कुछ ऐसा आया उसको रोकेंगे। अच्छा पीसफुली कैसे होगा पंडित साहब ऐसे 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 बढ़ेंगे आपके सामने आप साथ आइएगा मारेंगे ऐसे होगा चलाएं मरेंगे देश के हित में। पंडित साहब जो है कैजुअलिटी होती है कोई रब ना करे कोई गल होती है जिम्मेवार कौन होगा कौन जिम्मेवार देखो वह जिम्मेवार होंगे जेडे साढ़े आने तो पहलो 15 दिन पहले बैरीकेड करके खड़े आ वह होंगे जिन्होंने 25,000 पैरामिलिट्री फोर्स चलाईया ने जिन जड़े साढ़े ते हंजूगा इस्तेमाल कर रहे हैं रबड़ दियां गोलियां इस्तेमाल असी हाथ बन रहे हैं वह नहीं कुछ देना सानू जान तो दो लेकिन और नहीं जाने देंगे उनको अगर ड्यूटी मिली है ऊपर से सुरक्षा बल ड्यूटी तो कौन दे रहा हम देश के प्रधानमंत्री चुनते इस मेल के मालिक हैं ड्यूटी जिधर से मर्जी को दे दे ऐसा तो नहीं ना होगा। पंडित साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप शांतिपूर्ण कर रहे हैं सुरक्षा एक बार सुन लीजिए उनको ड्यूटी मिली है इनको नहीं जाना जाने देना इसलिए बैरिकेडिंग है और आप आगे बढ़ेंगे हिंसा होगी तो किसान नेताओं की जिम्मेदारी फिर सरकार रहेगी कि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की और उसके बाद हिंसा। अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है हम तो उसे बोल रहे हैं भाई अभी परिस्थिति को काबू कर लो इस तरह के निर्णय कोई विदेशी लोग थोड़े ना है। आप बताइए क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है? जब स्वयं भाजपा प्रधानमंत्री है इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया इन्होंने ऐसे काम नहीं किए बोल दें ये भी तो करते रहे जब विपक्ष में रहे हम करते हैं। ये धरना जंतर मंतर पे चल रहा था जब भूख हड़ताल चलती थी करप्शन के खिलाफ तो सभी राजनाथ जी वहां गए होते थे हमारे धरने में राजनाथ जी और यूनियन के बोल के आते रहे तब ठीक था अब हम कर रहे हम गलत हैं। ऐसा देखो ऐसा कुछ नहीं पंजाब सरकार से हमारा कोई इशू नहीं है। एक सवाल का जवाब तो देने को पहले हॉल में क्या होगा लीडर्स आगे जाएंगे कुछ चुनिंदा लोग जाएंगे ये जेसीबी मशीन और पोकलैंड मशीन जाएगी क्या है ये बताइए। ये देखिए यही हमारा प्रयास है अंजुम जी कि हम पूरी शांति बनाकर रखते हुए कुछ आगुओं की ड्यूटी लगाते हुए आगे जाएंगे हमारा कोई मंतव्य नहीं कोई मंशा नहीं है किसी तरह का भी वायलेशन करना। पहले वाला जी पंजाब गवर्नमेंट का रवैया जिस तरह से रहा है आप बोल रहे हैं कि उनकी सीमा में आके हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल कार्रवाई कर रहे हैं बीएसएफ पीछे भी उतार दी गई है यहाँ पर गाड़ियाँ भी रोकी जा रही है पंजाब गवर्नमेंट का आपको लगता है सरेंडर हो गया है? देखिए मैं ये कहूँ मुझे पंजाब गवर्नमेंट का सरेंडर कहना या क्या कहें ये तो सरकार की जिम्मेदारी है सरकार क्यों कर रही है हमें हमारे पास ना तो सरकार का कोई पत्र आया है कि हम ऐसा कर रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हमें कुछ पता नहीं है हम उसको बिना किसी कागज पत्र के कोई शब्द बोलने वो उचित नहीं है। पंजाब पुलिस यदि आपकी पोकलैंड और वो जब्त करती है तो क्या आप लोग पंजाब पुलिस को सरेंडर कर देंगे वो इस आंदोलन में दिल्ली की तरफ आगे बढ़ाएंगे? ये देखिए ये जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। कई बार ऐसे मोर्चे पर कोई बैक चैनल बातचीत होती है परसों की बातचीत टूटने के बाद कल रात या कल दिन भर या आज सुबह तक कोई बैक चैनल सरकार से बातचीत हो रही है बातचीत का दरवाजा खुलने नहीं बैक चैनल कोई बात नहीं होती बातचीत जो होती है वो कल अधिकारी जैसे बातचीत करते रहते हैं अक्सर करते रहते हैं पंजाब गवर्नमेंट के उन्हीं ने बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन उनकी बातचीत में से कुछ निकल कर नहीं आ रहा था उनका उनके उनके पास कुछ नहीं था हमारा यही था कि कानून बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बयान दे दें तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। विपक्षी पार्टियों से कल आह्वान किया गया था ना उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया उनका रवैया किस तरह से देखते हैं? हाँ देखिए जो विपक्षी दल है उनको हमने कहा था आप बिल्कुल अपनी स्थिति स्पष्ट करिए भी अगर MSP गारंटी का कानून सरकार लेके आती है तो आप सभी दल बोले भी हम उसका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे उसके पक्ष में वोटिंग करेंगे अगर अगर नहीं कुछ बोलेंगे तो पूरा देश देख रहा है उनको भी। पंडित साहब MSP पर कानून अगर बनता है और इससे पूरे देश के किसानों का भला होगा क्यों पंजाब और हरियाणा के अलावा बाकी स्टेट के लोग दिख नहीं रहे हैं? देखिए सभी देखिए अब हरियाणा के भी हरियाणा में तो इतनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है राजस्थान में 3 जिलों में बंद किया गया है वहाँ
नेट बंद है, बीएसएफ लगी है, अब यूपी पूरी तरह सील किया, बिहार से आए हुए 150 आदमी गिरफ्तार कर ले गए, मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी हुई है, अन्य राज्यों में भी गिरफ्तारियां हुई है, पूरी तरह पूरे देश में जबर किया जा रहा है। कर्नाटका केरला से ऊपर नहीं उठने दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ बेशक जहाँ से उठते उसको दबा दिया जाता है। कितने बजे की कॉल है जी, कितने बजे आगे बढ़ोगे? देखो साड़ी कॉल 11 बजे दी है, 11 बजे असी अगे वधन दी दा साडा प्रोग्राम है, 11 बजे असी आपदे तरीके नाल लगे। जत्थियां ते जाओगे किवें जाओगे मतलब? हाँ कोशिश यही है कि असी बहुत वड्डा हजूम जां भीड़ लैके अगे नहीं तुरांगे, असी जत्थियां दे रूप दे विच अगे वल नूं। पहला जत्था केड़े आगू दे नाल जा रहे जी और किन्ने बंदे उच जा रहे? आगू सिलेक्ट कीते ओ, असी आगू सिलेक्ट कर चुके हां, तुहाडे सामने जदों जत्था जाएगा विच आगू दी किन्ने जाणे दा जत्था की कर दूंगा। पीसी होई आ 11 बजे लगना सी, रखिए तुसी जी दसना सी सारा। हां देखो आगुआ ने आप अपनी ड्यूटियां से भी पिछे रहे हैं, साड़ी गलबात कल हो गई सी सारे तो, हरेक सूबा कमेटी का एक लीडर हैगा फ्रंट ते, हरेक सूबा तीन अपने हैगे, हर एक सूबा कमेटी ने अपने लीडर गाड़ी दिते, तुम देख सकते हो सारे थोड़ू खड़े नजर आने, असं भी इतने रहेंगे। धन्यवाद जी।